तो अंकित जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं वी लुकअप के ऊपर, हमारा चल रहा है समिट चल रहा था ना। हाँ जी, हाँ जी सर। अब आपके साथ और भी दो कलीग हैं, जब तक वो ज्वाइन करते हैं तब तक हम क्या कर रहे हैं, आपके साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, प्रॉब्लम लाइव है अभी भी व्हाट्सएप पे। हमारे एक ऐप यूजर है जो मोबाइल ऐप यूज करते हैं, उन्होंने मुझे एक सवाल दे मारा है, तो हमको वापस उनको जवाब दे मारना है। तो क्या है कि उनके पास कुछ नंबर है, जैसे नंबर या नाम ही समझ लीजिए, नंबर ही मान लीजिए, नाम ही है। जैसे कि मैंने पूजा ले ली, अब एग्जैक्ट उनका डेटा तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। हाँ मोहन, ऐसे और भी नाम हो सकते हैं। एक तो मोहन को यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, माफ कीजिएगा। और यहाँ पे कविता है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में हमारा नंबर है, सीक्वेंस नंबर है, तो सीक्वेंस नंबर के लिए जनरली हम इफ लगा देते हैं वहां पे, ठीक है। इफ अगर सामने वाली वैल्यू बराबर है तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन हो जाए, नहीं तो वन से शुरू कर दे नंबर से। अब उनका कहना है कि मुझे इसकी जो है मैक्सिमम नंबर चाहिए, ठीक है। पूजा का मैक्सिमम नंबर ये जो सिक्स है ना, सेवन है, सेवन चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्स इफ नाम का एक फॉर्मूला होता है, मैक्स इफ में मैंने दिया मैक्स रेंज, और मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया वन रेंज, यहाँ पे क्राइटेरिया वन दे दिया, रिजल्ट हमारे सामने आ गया। अगर सेवन सर, मतलब सर, मतलब अलग तो हो गया कि हुआ क्या है, मतलब मैक्स नंबर मैक्स निकालना था कि कितनी बार एक रिपीट हो रहा है। एक समझिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है मैक्स का। मैक्स का फॉर्मूला बताता है कि पूरे कॉलम में से मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा कौन सा है। 11 बता दिया। अब ये 11 किसका है ये नहीं बताया, इसने बताया कि कॉलम बी में 11 है। बट अगर आपको ये करना है कि भाई इसमें से 11 किसका है, वो देखना है भाई मैक्सिमम 11 है किसका, उस केस में मैं यहां पे मैक्स इप्स लगाऊंगा। जैसे कि सम इफ लगाया था मैंने, मैक्स इप्स मैथ विद कंडीशन। तो यहां पे क्या है, पूछ सबसे पहले पूछ रहा है मैक्स रेंज कि किसका मैक्सिमम निकालना है। हमने बोला कि भाई कॉलम बी का निकालना है। ओके, जो पूजा है इसको किस कॉलम में मैच करना है, तो इसको मिला कि एक कॉलम में मैच करना है। क्या मैच करना है, तो पूजा मैच करना पूजा को ये क्या करेगा, इसमें फिल्टर करेगा, पूजा को मैच करेगा, और फिर जो नंबर उसके अगेंस्ट जो नंबर होंगे उसका हाईएस्ट वैल्यू यहां रख देगा। क्लियर क्लियर सर। सब इसका इंटरप्रिटेशन सर यही है ना कि अगर उसको ये भी देख सकते हैं कि पूजा कितनी बार रिपीट हो रही है, तो उससे है? ये नहीं, भी इसका आइडिया लगा। काउंट इप्स होगा सर। ये तो यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे 1 2 3 लिख दिया है, लेकिन हो सकता है कुछ भी हो, डेट हो, मंथ हो, समझ गया ना। क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर। पर प्रॉब्लम क्या है कि क्या और सोल्यूशन और भी उपाय हो सकता है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास टेक्स्ट ज्वाइन का भी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ टेक्स्ट ज्वाइन का, समझे। तो हमने टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला लगाया, और हमने डिलिमिटर में कॉमा और ब्लैंक इग्नोर कर दिया। यहाँ पे इफ कंडीशन दिया कि इफ नहीं, यहाँ पे इफ नहीं, यहाँ पे मैक्स मैक्स दिया, और मैक्स में लगाया इफ का फॉर्मूला। इफ के फॉर्मूले में मैंने बोला कि पूरी की पूरी एरिया अगर इक्वल टू है पूजा, ठीक है, तो ए नंबर शो कर दो। हालांकि ये फॉर्मूला थोड़ा गलत है, लेकिन आप यहां शो कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहां पे ब्लैंक कर दिया, ए भी आपको 7 शो कर दिया। मतलब इसमें थोड़ा सा टेक्स ज्वाइन का सर मतलब क्या होता है वैसे? टेक्स हमने आपको याद नहीं है सर, ज्वाइन में अभी भूल गया है ना। तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, देखिए यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे ब्लैंक, और आप एक एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एक एरिया को सिलेक्ट किया, जितना भी एरिया सिलेक्ट करोगे उसके नंबर्स को आपस में कंबाइन कर देगा, कर दिया सर। अच्छा। तो मैंने यहाँ पे सेम किया, लेकिन मैंने क्या किया भाई, मैक्सिमम वैल्यू लो, और इफ को बोला कि भाई इसमें से वही वैल्यू निकालो जो पूजा से मैच करती है।
समझे। आपने लॉजिकली वैसे उसमें फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला मर्ज कर दिया। अब ये दोनों चीज उनको वर्क नहीं करेगा, जिन्होंने मुझे सवाल पूछा है उन पे वर्क नहीं करेगा। रीजन रीजन ए, क्योंकि उनके पास ऑफिस 2010 है और ऑफिस 2010 में फॉर्मूला अवेलेबल ही नहीं है, अच्छा हाँ, दोनों फॉर्मूला अवेलेबल मतलब जो दोनों अभी आपने बताया दोनों ही नहीं है। नहीं है। कैसे होगा सर? तो इसमें लगेगा एरे फॉर्मूला, इसमें लगेगा मैक्स इफ हमने सेलेक्ट किया कि भाई ए नंबर दैट इज इक्वल टू टू जाए, ठीक है, तो सामने वाली वैल्यू को शो कर। सर अब ये फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है एक बार देख लीजिए। ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है, सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि डी टू ले रहा है पूजा, और ये यहां से पूजा ले रहा है, तो जहां जहां पूजा मैच करता है वहां वहां टू, देख रहे हैं आप यहाँ पे, देखिए सर कि जहां जहां पूजा है वहां वहां इसने ट्रू कर दिया, ट्रू कर दिया, ट्रू 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 ट्रू, जहां पूजा नहीं वहां फॉल्स कर दिया। अब इफ क्या करेगा, जहां जहां पे ट्रू हुआ है वहां पे वो वैल्यू डाल देगा, जहां पे ट्रू नहीं है वहां पे फॉल्स डाल देगा। गुड। अब मैक्स फॉर्मूला क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 फॉल्स 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 फॉल। तो मैक्स वहां फॉल्स को कंसीडर ही नहीं करता है, कहता है मैं फॉल्स को कंसीडर नहीं करता, फॉल्स कुछ नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान बोलता है कि इसराइल देश ही नहीं है, ठीक है ना, तो ठीक सर। ये फॉल्स को कंसीडर ही नहीं करता है। तो ये क्या, इसको क्या मिला मैक्स को 1 से लेकर 7 तक, मतलब काउंट वाइज देखा जाए तो 107 तक, मतलब एक से कहने सात तक में वाला। से 1 से 7 तक मिला, इसमें 1 से 7 में 7 मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम इसने निकाल दिया 7। मतलब इसने वर्क किया तो पहले यही किया हमने, क्राइटेरिया सेट कर लिया कि ढूंढना पूजा ही है, और पूजा का जितना मैक्सिमम होगा तो फिर ऑब्वियस बात है फॉल्स को ना काउंट करके ट्रू वाले में से ही देखेगा। जी हाँ जी हाँ। अब यहाँ पे 1 2 3 नंबर हो या डेट, जैसे कि आप किसी मैं कि एक एक करके में डेट डाल देते हैं, यहाँ पे जैन ई डेट लगा देता हूँ मैं, ई डेट, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ना ई डेट, इसको सेलेक्ट कर लिया कॉमा हुआ, ओके okay. ठीक ये तो है अभी इसमें दिखा रहा है, मैं चेंज करना पड़ जाएगा, क्या, ये नंबर्स में दिखा रहा है ना नंबर्स में, आप। नंबर्स में दिखा रहा है, इसमें मैं कर देता हूँ, अब इन नंबर्स में है। अब इसमें हुआ कि एक जैन के जगह पे एक काम करता हूं कि मैं होम में गया, नंबर पे गए कस्टम, और यहाँ MMM एंड YY, ठीक है। अब यहां पे आया तो सेम फॉर्मेटिक उठाइए यहां डाल दीजिए, आ गया आपका रिजल्ट, बिल्कुल राइट सर। करेक्ट। अब देखिए तीन तरीके में क्यों बताया, मैं पहला तरीका ही बता के छोड़ सकता था, तो तीसरा, तीन तरीके बताने के पीछे रीजन ये था हमको, क्योंकि आप सबसे इजी फॉर्मूला ये है, लेकिन ये सिर्फ नंबर पे वर्क करता है सर। अगर अच्छा आपको टेक्स्ट कंबाइन वगैरह करना हो तो यहां से मैक्स हटा दीजिए तो सारे नंबर को कंबाइन करके दिखा देगा, ये दोनों चीजें लेटेस्ट वर्जन का है, लेकिन ये जो है ये आपका एरे मेथड है, ये हर वर्जन पे चलेगा 2003 से लेके, हालांकि ऑफिस 95 पे कभी चेक नहीं किया, लेकिन ऑफिस सर 3 से चलेगा कंटिन्यू। वैसे एरे फंक्शंस मतलब क्या होते हैं ओवरऑल? देखिए एरे का शाब्दिक अर्थ होता है सिक्वेंसली अरेंज करना, जैसे फॉर ओके एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 फाइव लिख दिया, तो मैं एक एक करके लिखा, या फिर मैं एक ही सेल में कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मार दिया। तो इसने क्या किया, जिस सीक्वेंस में यहां पे था ना उसी सीक्वेंस में इसने अरेंज कर दिया, सिंपल सा। तो मतलब अगर हम जितने भी एरे फॉर्मूले यूज करते हैं बेसिकली इन्हीं चीजों के लिए ही यूज होता है, क्यों सीक्वेंस में ही उसको क्रिएट करने के लिए चीज जैसे आपने बताओ। देखा वी लुकअप में बताया था ना, मैंने आपको देखा होगा कि आप कॉलम नंबर 1 2 3 दे उसे कर्ली ब्रैकेट में डाल दें, तो इसका एरे का भी बहुत लंबा चैप्टर है, एरे का 3 पार्ट होता है, कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस एंड डेटा स्टोरेज,
मेथड यही है, लेकिन मतलब यही है जो आप देख पा रहे हो कि एक पूरी स्टेप को कर्ली ब्रैकेट में डाल देना। अच्छा, ठीक है, okay, मैं थोड़ा सा इसमें और रिसर्च कर सकता हूँ। रिसर्च कर सकते हैं और करिए, अच्छा रहेगा। एक सर मेरा भी छोटा सा डाउट था, वो मैंने